हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नाइकी। दोस्तों, डिफरेंट अम्यूजमेंट पार्क में जाना तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन वहां जाकर खतरनाक झूलों पर बैठना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दुनिया में मौजूद कुछ बहुत ही खतरनाक झूलों के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिनमें से कुछ झूलों पर आप में से कुछ लोग बैठना भी चाहते थे और कुछ लोग तो इन झूलों के पास भी नहीं जाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद कुछ नेक्स्ट लेवल के खतरनाक तीन राइड्स के बारे में बताऊंगा, जिन पर आप में से शायद ही कोई बैठना चाहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, फाल्कन फ्यूरी। दोस्तों, ये राइड अमेरिका की एक टेम्पा नाम की अम्यूजमेंट पार्क में मौजूद है। ये एक फ्री फॉल ड्रॉप टावर है। इस राइड को देखकर आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि भला ये राइड कैसे खतरनाक हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये राइड 102 मीटर यानी 335 फीट ऊंची है, जिसका मतलब ये है कि इस राइड पर बैठने वालों को पहले तो 335 फीट की खतरनाक ऊंचाई पर ले जाया जाता है, लेकिन इसके बाद कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है, जिसके चलते इस राइड पर बैठने वाले लोगों की सीट्स को कुछ इस तरह से अंदर की तरफ बेंड कर दिया जाता है, जिससे इन लोगों के फेस बिल्कुल जमीन की तरफ हो जाते हैं। और अब शुरू होती है असल कहानी, जिसमें इस राइड पर बैठने वाले लोगों को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जमीन की तरफ गिराया जाता है। और जब ये लोग जमीन के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तो इनकी सीट्स को बाहर की तरफ खोल दिया जाता है। दोस्तों, इस राइड को लेने वाले लोग मौत के मुंह में गिरने का एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब आप इस राइड पर बैठना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। नंबर 2। दोस्तों, ये राइड तेज स्पीड और ऊंचाई से डरने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग थ्रिल लेने के लिए इस राइड पर जरूर बैठते हैं। इसमें आपको एक प्लेन के ऊपर बिठाकर मजबूत रस्सियों की मदद से बांधा जाता है और फिर इस प्लेन को आसमान की ऊंचाइयों में उड़ाया जाता है। वैसे इस राइड पर बहुत कम लोग ही बैठते हैं, हालांकि ये राइड बिल्कुल सेफ है, आपको बस प्लेन के ऊपर बैठना ही होता है। लेकिन कई लोग, जिनको प्लेन के अंदर बैठने से भी डर लगता है, ये राइड उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप इस राइड पर बैठ सकते हैं? नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। नंबर 3, जिपलाइन साइकिलिंग। दोस्तों, ये राइड इंडोनेशिया में मौजूद है, जो कि दो ऊंचे पहाड़ों के दरमियान बनाई गई है। इस राइड में आपको एक बारीक सी रस्सी के ऊपर साइकिल चलाते हुए इन दो ऊंचे पहाड़ों के दरमियान इस गहरी खाई को पार करना होता है। इस राइड में साइकिल और साइकिल के ऊपर बैठने वाले इंसान को भी सेफ्टी बेल्ट्स की मदद से बांधा होता है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा ऊंचाई पर एक बारीक सी रस्सी के ऊपर साइकिल चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ऊंचाई से डरने वाले लोग तो इस राइड के पास भी नहीं जाना चाहते, मगर बहुत से मजबूत दिल वाले लोग इस खतरनाक राइड पर बैठकर इस खाई को पार करते हैं। वैसे दोस्तों, ये राइड वाकई में बहुत खतरनाक है। नंबर 4, वॉल्केनो सर्फिंग। दोस्तों, वाटर सर्फिंग के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। हर साल हजारों लोग दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर वाटर सर्फिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वॉल्केनो सर्फिंग के बारे में आप में से शायद ही कोई जानता होगा, क्योंकि ये दुनिया में बहुत कम जगहों पर की जाती है, जिनमें से एक जगह है निकारागुआ, जो कि अपने वॉल्केनिक माउंटेन्स और बीचेस की वजह से दुनिया भर में काफी फेमस है। इसमें लोग अपना एक कस्टम सर्फिंग बोर्ड लेकर एक 2000 फीट ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं और इस पहाड़ से नीचे की तरफ वॉल्केनो सर्फिंग करते हैं और इस डेंजरस राइड को एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्तों, इस राइड की सबसे खतरनाक बात ये है कि ये राइड जब एक बार शुरू हो जाती है तो इसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है, फिर ये राइड नीचे आकर ही रुकती है और इस राइड की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तक पहुंच जाती है। दोस्तों, इस राइड को लेते हुए अगर गलती से भी आपका बैलेंस खराब हो जाए तो आप कल्टियां खाते हुए ही नीचे पहुंचेंगे, जिससे आपको सीरियस इंजरीज भी हो सकती हैं। दोस्तों, ये राइड देखने में तो खतरनाक नहीं लगती, लेकिन एक्चुअल में ये राइड बहुत ही खतरनाक है। नंबर 5,
दोस्तों, ऑस्ट्रिया अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और मुख्तलिफ नेचुरल व्यूज की वजह से काफी फेमस है। हर साल सैकड़ों हाइकिंग के शौकीन टूरिस्ट ऑस्ट्रिया में जाकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर हाइकिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, पहाड़ों में कोई जगह ऐसी भी होती है जहां तक चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं होता। लोग उस जगह तक चढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वहां तक जाने का कोई भी रास्ता ना होने की वजह से लोग उस जगह तक नहीं चढ़ पाते। तो दोस्तों, ऑस्ट्रिया में ऐसा ही एक पहाड़ है जिसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसीलिए इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मजबूत केबल के साथ सीढ़ियां बनाई गई हैं। लेकिन इन सीढ़ियों पर चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ये सीढ़ियां जमीन से 2000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई हैं, जिन पर चढ़ते हुए अगर गलती से भी इंसान की नजर नीचे जमीन की तरफ पड़ जाए तो इंसान को चक्कर भी आ सकते हैं, जिसके चलते कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। नंबर 6। दोस्तों, डेनमार्क के एक थीम पार्क में मौजूद ये राइड ऊंचाई से डरने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस राइड में पहले तो आपको 130 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर लटका दिया जाता है और इसके बाद आपको बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के नीचे जमीन की तरफ फेंक दिया जाता है, जिसके चलते आप 130 फीट की खतरनाक ऊंचाई से गिरते हुए नीचे एक मजबूत नेट में आकर गिरते हैं। दोस्तों, ये राइड आपको ऊंचाई से गिरने का एक अलग ही खतरनाक सा एक्सपीरियंस करवाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नाइकी के मेंबर बन जाएं। नंबर 7, डेंजरस ब्रिजेस। दोस्तों, चाइना बड़े बड़े और मजबूत ब्रिजेस बनाने में काफी आगे है। दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत ग्लास ब्रिज भी चाइना में ही मौजूद है, जिस पर चलते हुए अच्छे खासे मजबूत दिल वाले इंसान की भी हिम्मत जवाब दे देती है। हालांकि ये ब्रिज पूरी तरह से सेफ होता है, लेकिन फिर भी ये ब्रिज शीशे का होने की वजह से इसके नीचे गहरी खाई बिल्कुल साफ नजर आती है, जिसके चलते इस ब्रिज पर चलने वाले लोगों को यही डर लगा रहता है कि ये शीशा टूट जाएगा और मैं इस खाई में गिर जाऊंगा। दोस्तों, अब जो ग्लास ब्रिज आप देख रहे हैं, ये चाइना के शहर चोंगकिंग में बनाया गया है, जिसे तो देखकर ही कमजोर दिल वाले लोग इस ब्रिज के पास भी नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन आपका इस ब्रिज के बारे में क्या ख्याल है, मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, इसके अलावा एडवेंचर के लिए चाइना में कुछ ऐसे ब्रिजेस भी बनाए गए हैं जिनके दरमियान स्पेस तो है ही, इसी के साथ इनकी साइड्स पर रेलिंग भी नहीं होती। इस ब्रिज पर चलने वाले को सेफ्टी हार्नेस के साथ बांधा तो जाता है, लेकिन फिर भी लोग डर के मारे कांपते हुए इस ब्रिज पर चलते हैं और स्लिप होने की वजह से कुछ लोगों को चोट भी लग जाती है। एक मर्तबा इस ब्रिज पर चलने वाले आदमी का सेफ्टी हार्नेस खुल गया था। ये आदमी खुशकिस्मती से नीचे गिरने से तो बच गया था, लेकिन इस हादसे की वजह से कुछ अरसे के लिए इस ब्रिज को बंद कर दिया गया। दोस्तों, इसके अलावा चाइना में मौजूद इस खतरनाक ब्रिज को भी देखें। नंबर 8, फेरारी वर्ल्ड। दोस्तों, फेरारी वर्ल्ड दुनिया की सबसे बड़ी अम्यूजमेंट पार्क्स में से एक है। ये पार्क दुबई में मौजूद है। इस पार्क में तरह तरह की अम्यूजमेंट राइड्स बनाई गई हैं, जिन पर बैठकर आप इन राइड्स का मजा ले सकते हैं। लेकिन इस पार्क में एक ऐसी राइड भी मौजूद है जो दुनिया में और किसी भी जगह पर देखने को नहीं मिलती। ये राइड फॉर्मूला रोसा नाम का एक रोलर कोस्टर है, जो कि दुनिया का सबसे तेज तरीन रोलर कोस्टर है। ये रोलर कोस्टर सिर्फ 5 सेकंड में ही 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आसानी से पकड़ लेता है। इस राइड को पहले तो प्रोफेशनल फॉर्मूला 1 रेसर्स ने ही ट्राई किया था, इसके बाद ये राइड पब्लिक के लिए ओपन की गई। हर साल हजारों लोग फेरारी वर्ल्ड में जाते हैं, लेकिन इस रोलर कोस्टर पर बैठने की हिम्मत सिर्फ चंद लोग ही करते हैं। ये रोलर कोस्टर सच में बहुत ही तेज तरीन है। नंबर 9, पैराग्लाइडिंग। दोस्तों, अगर आप भी परिंदों की तरह ऊपर आसमान में उड़ना चाहते हैं, तो ये राइड बिल्कुल आपके लिए ही है, जिसमें आपको एक ग्लाइडर में बिठाकर ऊपर आसमान में उड़ाया जाता है। ये ग्लाइडर जमीन से बहुत ही ऊंचाई पर उड़ता है और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये ग्लाइडर बिल्कुल ओपन होता है, जिससे आप नीचे जमीन के व्यू का पूरी तरह मजा ले सकते हैं। आप इस ग्लाइडर को इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं और जब ये आसमान में उड़ रहा होता है तो अक्सर परिंदे भी इसके पास आ जाते हैं, जो कि इसमें बैठने वाले के लिए सच में बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है। नंबर 10,
दोस्तों रोलर कोस्टर्स के ट्रैक के अंदर 360 डिग्री लूप्स तो आपने कई मर्तबा देखे होंगे, जिनमें से जब रोलर कोस्टर गुजरता है तो इस पर बैठे लोगों की तो चीखें ही निकल जाती हैं, और यही लूप्स रोलर कोस्टर को खतरनाक राइड बनाते हैं। लेकिन दोस्तों लंदन में एक ऐसी राइड तैयार की जा रही है जिसमें आपको एक कार में बिठाकर इस कार को 360 डिग्री लूप में से गुजारा जाएगा। ये राइड अभी आम लोगों के लिए तो ओपन नहीं की गई, मगर इसे एक दो बार ट्राई जरूर किया गया है। इस राइड में बैठकर आप मूवीज में होने वाले स्टंट्स का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। फ्यूचर में ये राइड आप में से कौन कौन ट्राई करना चाहेगा नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी दुनिया में मौजूद कुछ नेक्स्ट लेवल की खतरनाक राइड्स। इनमें से आपको कौन सी राइड सबसे ज्यादा खतरनाक लगी मुझे जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।